चुनावों से पहले एक बार फिर कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने, और वो भी पीएम मोदी के पिताजी को लेकर। भोपाल में मीडिया ने जब उनसे पीएम मोदी के आगामी भोपाल दौरे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के पिताजी भी आना चाहें तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ अरुण यादव ने दावा किया कि इस बार राज्य में बदलाव का माहौल है। कई सर्वों में 70% तक जो है कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? जो सच्चाई हो सबके सामने, कर्नाटक का भी आपके सामने नतीजा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं 27 तारीख को संक्रांत करने। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयान है जो इस पर समय नजर आ रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज इसके बारे में आप देखें, अरुण यादव के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अरुण यादव को निशाने पर लिया है और कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार पर कांग्रेसियों की ये निंदनीय टिप्पणियां गांधी परिवार के इशारों पर हो रही है, इसलिए गांधी परिवार मौन है। अरुण यादव के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार के फूहड़ शब्दों का उपयोग करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है ये मात्र मोदी जी का अपमान नहीं, देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे। अरुण जी, हम तो सुभाष यादव जी का भी सम्मान करते हैं क्योंकि हमें मोदी जी ने संस्कार दिए हैं कि राजनीति में चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग क्या ये उचित है। आपको बता दें कि एमपी में सियासी घमासान जोरों पर है। 12 जून को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जबकि पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही एमपी में आने वाले हैं। इसी को लेकर अरुण यादव से सवाल पूछे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।